जिस तरीके से जिस जोश और जज्बे का और अमली कदम जो उन्होंने उठाए हैं उसको अप्रिशिएट करते हुए लोग समझते हैं कि इनके होते हुए इस दफा कामयाबी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद फारूक अवान की है और इस वजह से जो है मौलाना मेहरू साहब जो है मैं समझता हूँ पहला कदम है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन अभी उसमें बहुत लेना है, आप समझेंगे देखेंगे क्या है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि इलेक्शन स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कामयाबी इस हल्के के दोस्तों की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, फारूक अवान जो है इंशाल्लाह ताला जीतेगा। और बहुत बड़ा असल बात क्या है कि उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो रात को भी एक जलसे में हमने ये कहा कि जो पहले एडवांस दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि पीछे आने वाले जो है वो क्या है, वो आपके सामने है इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी होगी, फारूक की कामयाबी होगी, बिलावल भुट्टो साहब की ये कामयाबी है। मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ, आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे तशरीफ लेके आए और आपने मेहरू साहब जो है मोहिन अख्तर मेहरू साहब जो है उनकी बात आपने सुनी और वो आपके सामने जो है कुछ कहते हैं। फारूक साहब आप बताएंगे कि कौन से मसाले जो आप कामयाब हो गए? देखें जो मेरा प्लेयर है बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है बदनसीबी है, मसाइल नहीं, यहाँ लोग खुद कहते हैं मसाइल स्थान बना हुआ तो यहाँ होना तो ये चाहिए था कि लोग यूनिवर्सिटियाँ मांगते, कॉलेज मांगते, हॉस्पिटल मांगते, यहाँ आज भी प्रॉब्लम वही है कि पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, गलियाँ कच्ची हैं, कब्रिस्तान की जगह नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटे छोटे जो भी काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह टाउन लेवल के हैं और वो हो जाएंगे और अल्लाह पाक ने अगर हमें मौका दिया। अभी देखें 2030 को इंशाल्लाह ताला यहाँ कुरंगी में पहला गर्ल्स कॉलेज जो है उसका पता हो रहा है, फिर कराची जो है वो करने के लिए आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी का तोहफा देंगे इंशाल्लाह ताला। कुरंगी में कोई आदमी पानी पानी नहीं करेगा, पानी को नहीं तरसेगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप और मैं हम सब दुआ करें कि आने वाली गवर्नमेंट हमारी हो ताकि हम वसाइल लेके आए और यहाँ के लोगों को इनके देरीना वसाइल से निकालें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को कुरंगी में बहुत सारे मुर्जे आप देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ हम समझते हैं कि कम से कम एक एन ए और 3 PS जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। और साहब बैठे हुए कहते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी की बात करी, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में रानी टाउन में आज से 10-12 साल से यूनिवर्सिटी के बाहर बदले सड़ रही है, चोरियाँ हुई उसके अंदर, लेकिन अभी तक उसकी ओपनिंग नहीं की जा रही थी 10 साल पहले की जाने की, अस्पताल के लवाजमात हैं, उसकी मशीनरी है, बहुत सी किस्म की चीज़ें हैं, तो हमने सारे का सारा जो रोल दिया हुआ था बाकी हॉस्पिटल जो बहुत पुराने चल रहे थे उनकी जो मशीनरी थी वो मुकम्मल हो गई, हालात हमारे मुश्किल हो गए, गवर्नमेंट यहाँ पे चला गया वो जो है यहाँ पे बहुत भी चला और इंशाल्लाह ताला वो भी काम उसके ऊपर हो रहा है इंशाल्लाह ताला देखेंगे अंतरी जो हमने तो सिर्फ में छोटी छोटी जगह उन्हों की रजिस्टर किया हुआ कंटेनर लगा के शुरू किया हुआ है, तो आप समझ गए सिंध गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे और सेहत ट्रेनिंग में बहुत भरपूर तवज्जो की इंशाल्लाह ताला। ये जो आप कह रहे हैं देखें हम इस बात को बखूबी समझते हैं, इस तुरंगी को इग्नोर किया गया, तुरंगी पे जिन लोगों का कब्जा था ना उनको वोटों की जरूरत थी ना वो आवाम में आते हैं, हमने रोज आवाम में आना है और रोज इस तरह के सवालात को फेस करना है, अगर किसी जगह कोई चीज रह गई है उसको कंप्लीट नहीं किया गया तो इंशाल्लाह आने वाले दौर में हम